अकबर बेशक मुगलों में एक महान शासक था, मुगलों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह रहा जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों से ही बराबर प्यार और सम्मान मिला। अकबर ने ही दीने इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच की दूरियों को कम किया जा सके। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। लेकिन क्या सच में अकबर इतना महान था जितना इतिहास में हमें बताया गया है? क्योंकि एक हकीकत ये भी है कि अकबर की बहुत बड़ी हरम थी। हरम यानी शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान होता था। हरम के अंदर न केवल शहंशाह की बेगम बल्कि शहंशाह की सभी महिला रिश्तेदार रहती थी। मुगल काल में तो 16 वर्ष तक के शहंशाह के लड़के भी हरम के अंदर ही रहने लगे थे। हरम के अंदर महिलाओं की संख्या बहुत होती थी क्योंकि हरम में शहंशाह की माँ हिजड़े आदि भी रहते थे। बहन पत्नियाँ रखैल आदि के अलावा दासियाँ भी रहती थी। अगर अकबर की हरम की बात की जाए तो अकबर की हरम में 5,000 महिलाएं थीं। अकबर के हरम को खुद सम्राट का संरक्षण प्रदान था। इसमें अधिकांश स्त्रियों को बलपूर्वक अपहरण करवा कर यहाँ रखा गया था। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय हिंदुओं में सती प्रथा काफ़ी जोरों पर थी। जब भी अकबर के कुछ लोग किसी सुंदर स्त्री को सती होते देखते तो बलपूर्वक जाकर सती होने से उसे रोक देते और उसे महाराज की आज्ञा बताकर उस स्त्री को हरम में डाल दिया जाता। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया और उन अबला स्त्रियों को संरक्षण दिया। लेकिन अकबर ने अपनी जीवनी में ये खुद कहा है कि यदि मुझे पहले ही यह बुद्धिमता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की किसी भी स्त्री का अपहरण कर अपने हरम में नहीं लाता। इस बात से ये साफ हो जाता है कि वह सुंदर स्त्रियों का अपहरण करवाता था। ये हरम ना तो अकबर के समय में और न ही उसके उत्तराधिकारियों के समय में कभी बंद हुई। आईने अकबरी में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि बेगमें कुलीन दरबारियों की पत्नियां अथवा अन्य स्त्रियां जब भी कभी बादशाह की सेवा में पेश होने की इच्छा करती तो उन्हें पहले अपनी इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती। जिन्हें योग्य समझा जाता उसे हरम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती। कहा जाता है कि अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था कि वो अपने घरों की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करें, जिसे अकबर ने खुदा रोज नाम दिया हुआ था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह ज्ञात नहीं है। अकबर ने यह भी प्रथा चलाई थी कि उसके पराजित शत्रु अपने परिवार और परिचारिका वर्ग में से चुनी हुई महिलाएं उसके हरम में भेजे। दोस्तों, अकबर की जिंदगी का एक पहलू हरम भी है, लेकिन लोग इसे अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। आपको अकबर के हरम के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।